अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगराने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी हुकूमत को भेज दी। पेट्रोल की कीमत 29 रुपए और डीजल की 55 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। वजीर आजम शहबाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। पंजाब असेंबली की खुद मुख्तार हैसियत खत्म। असेंबली को दोबारा महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी भी महकमा कानून के मातहत होंगे। हुकूमत पंजाब ने पंजाब असेंबली को दोबारा महकमा कानून का स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया। असेंबली के तमाम नोटिफिकेशन महकमा कानून करेगा। पंजाब का बजट आज पेश होगा या नहीं? गवर्नर और स्पीकर ने आज पंजाब असेंबली के अलग अलग इजलास बुला लिए। किसका इजलास होगा? तमाम नजरें पंजाब असेंबली पर। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली और गवर्नर पंजाब ने ऐवान इकबाल में इजलास तलब किया। वजीर खजाना बजट तकरीर पंजाब असेंबली की बजाय ऐवान इकबाल में करेंगे। ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी की जेर सदारत शुरू होगा। ट्रैक्टर साज इदारों ने ट्रैक्टर्स की कीमतें बढ़ा दी। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने ट्रैक्टर कीमत में 2,52,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की कीमत में 1,26,000 रुपए इजाफा। 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 1,44,000 रुपए महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक 25 जून से होगा। गरीबों की ख्वाहिश पर पानी छोड़ने का प्लान। पंजाब में नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम बंद करने की तैयारियां। एहसास राशन प्रोग्राम बंद करने की सिफारिशात। महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात अरसाल कर दी। जराए के मुताबिक प्रोग्राम के तहत विभाग अब तक पंजाब को 9 अरब रुपए दे चुका है। स्कूलों में जेर तालीम 14 लाख बच्चे सेहत के बुनियादी सहूलियात से महरूम। हेल्थ प्रोफाइल में 14 लाख बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी, इनका इंकशाफ। बच्चे आंखों, सांस, न्यूट्रिशन और गैर मियारी डाइट जैसे मसाइल का शिकार। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत कमजोर बच्चों को तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाना था। डॉलर की उड़ान मजीद बुलंद हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 206 रुपए पर पहुंच गई। महंगाई का जिन काबू न आया। मुल्तान में सब्जी और फल आम आदमी की पहुंच से दूर। लहसुन 300 और अदरक 320 रुपए किलो तक फरोख। टमाटर और प्याज 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। खोबानी 200 से 240 और आलू बुखारा 300 से 340 पर जा पहुंचा। जखीरा दोजों स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। हुकूमत पंजाब के गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए जिला बंदी का फैसला। डिवीजन के 4 अजला की खारजी रास्तों पर नाके कायम। सेक्रेटरी फोर्ट पंजाब नादिर चट्टा की जेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। कमिश्नर मुल्तान समेत दीगर इंतजाम के इजलास में शिरकत। गर्मी और सूरज की तपश का जल्द पर असर। सूरज की शुआओं से जल्दी बीमारी पैदा होने का खदशा। डॉक्टर्स का शहरियों को गर्मी की शिदत बचने के लिए सनब्लॉक इस्तेमाल करने का मशवरा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर हुसैन कहते हैं गर्मियों में पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें। मुल्तान में हज कॉम्प्लेक्स की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन जारी। आजमीन हज के लिए भरपूर इंतजाम। मुख्तलिफ बैंकों में मालूमात काउंटर और कोरोना वैक्सीनेशन कैंप कायम। डायरेक्टर हज रिहान खोकर के मुताबिक हज ऑपरेशन 26 जून से जारी होगा। अब तक मुल्तान से 8 परवाजें रवाना हो चुकी हैं। और खानेबाग यूनिवर्सिटी में तख्लीकी मॉडल के हवाले से तकरीब। तलबा तालिबात ने मैथ के तहलीकी मॉडल तैयार करके तालीम की अहमियत को उजागर किया। इंतजामे की जानिब से तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।